अटैक ऑन टाइटंस। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको पता ही है ये क्या है, और ये एनीमे काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ही फेमस है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो भी मैंने इस एनीमे को देखते हुए फील किया, और मैं बिल्कुल भी फिल्टर ऐड नहीं करूँगा, जो भी है कट टू कट तुम्हें बताऊँगा। लेकिन हो सकता है तुमको इस एनीमे को देखने का एक अलग एक्सपेक्ट, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज N1 ओटाकू एंड आई एम द घोस्ट ऑफ द उचीहा। मुझे लगता है अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे है जिसकी मिल्किंग बहुत ही ज्यादा की गई है। इतनी ज्यादा मिल्किंग की गई है कि अब इसने दूध देना ही बंद कर दिया है। मैं ऐसा लेम जोक दोबारा नहीं मारूंगा। जब ये एनिमे एयर हुआ था तब मैंने इस एनिमे को नहीं देखा था। लगभग एक साल तक मैंने इस एनिमे को बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बाद मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे जिसके अंदर लोग इस एनिमे की भर भर के तारीफ़ कर रहे थे। इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे जैसे कि ये कोई मास्टरपीस है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई और मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसका season 1 देखा तो मैं फर्स्ट हाफ के अंदर इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि मैंने इस एनिमे को छोड़ दिया था। लिटरली मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं इस एनिमे को आगे कभी भी कंटिन्यू नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझको जो इस एनिमे से चाहिए था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा कि ये एनिमे बिल्कुल ही फ्लॉलेस होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तो मैंने इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक दिया। उसके काफ़ी टाइम बाद इस एनिमे के 3rd सीज़न का फर्स्ट पार्ट एयर हुआ, और तब मैंने दोबारा डिसाइड किया कि मैं इस एनिमे को देखने का ट्राई करूं। और जहां से मैंने इस एनिमे को छोड़ा था वहीं से मैंने इसको रीस्टार्ट किया। season 1 के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं की गई थी, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्विस्ट का हमें हिंट पहले ही दे दिया गया था। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो तुमको जो एंड ट्विस्ट है, जो कि आपको 3rd सीज़न के एंड में देखने के लिए मिलता है, वो आप पहले सीज़न के अंदर ही डिकोड कर लेते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो रही थी जिनसे कि साफ साफ पता चलता था कि इस आइलैंड के बाहर ज़िंदगी है या नहीं। जितने भी लोग वॉल्स के अंदर रहते हैं उनके अलावा लोग जिंदा हैं या फिर नहीं, और वो कौन लोग हैं जिनको फीमेल टाइटन को देखते ही पता नहीं चल गया था कि ये एनी। खैर, पहले सीज़न से मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ, और दूसरा सीज़न तो मुझको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगा, क्योंकि उसमें जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की जा रही थी उसको मैं देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मैंने ये सभी कुछ सर्वाइव किया। लिटरली मुझे ये सब कुछ सर्वाइव करना पड़ा क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी हुक नहीं हो पा रहा था। 3rd सीज़न के फर्स्ट पार्ट तक मेरा जो इस एनिमे के बारे में सोचना था वो यही था कि इस एनिमे को बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है। एक्चुअल में इस एनिमे में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बचपन से एनिमे देख रहा हूँ। अगर आप कहो कि इंडिया के अंदर एनिमे अभी हाल ही के दिनों में फेमस हुआ है, तो मैं उन लोगों में से हूँ जो उसको तब से देख रहे थे जब हम एनिमे को देखना ही कूल समझते थे। और मैंने इस टाइप के काफ़ी सारे एनिमेज देखे हैं जो कि हमें अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल या मिस्ट्री और थ्रिलर सस्पेंस प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं था। लेकिन अब तक जितनी भी मैंने मेहनत, जितना भी मैंने स्ट्रगल इस एनिमे को देखने में या फिर झेलने में किया था, season 3 second part उस सभी चीज़ों का पे बैक था, और उस सेकेंड पार्ट ने मेरे दिल में इस एनिमे के लिए रिस्पेक्ट पैदा करी। लिटरली जितने भी हमारे अराउंड क्वेश्चंस बिल्ड हुए थे पहले सीजन से लेके season 3 तक, जितने भी हमारे क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं उन सभी का आंसर हमें इसी सीज़न के अंदर मिल जाता है। उसके बाद भी तुम काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को पॉइंट आउट तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे कि हाँ, इस एनिमे को देखना वर्थ वॉचिंग है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस पहले 3 सीज़न इस एनिमे के देखते हो तो आपको इन दी एंड रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो आपको पीक फिक्शन प्रोवाइड करवाएगा वो आपका माइंड ब्लो करने के लिए काफ़ी है। टू बी ऑनेस्ट, जो season 3 में सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो मेरे लिए पहले ही रिवील हो चुका था। नहीं, मुझे किसी ने स्पॉयलर्स नहीं दिए थे, बल्कि एक्चुअली मैं इस एनिमे को ज़्यादा ही ध्यान से देख रहा था और तभी मैंने आइडिया लगा लिया था कि एंड ट्विस्ट क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो सभी के सभी क्लियर हो गए थे और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इस एनिमे को अभी और प्रोग्रेस करना है।
और फाइनली हमने इस एनीमे के फाइनल सीजन का थर्ड पार्ट देखा। अब यहाँ तक आने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो चौथा पार्ट है, ये जो फोर्थ सीजन है, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, या मैं कहूँ जितना कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बिना किसी इंसान की बात सुने डायरेक्टली इस एनिमे को देखता तो शायद मैं इसको ज़्यादा इन्जॉय कर पाता। लेकिन जिस तरीके से अटैक ऑन टाइटन के फैंस ने मेरे अराउंड बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट करी, उस हाइप की वजह से मैं इस एनिमे को पूरी तरह से इन्जॉय नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो डिलीवरी से ज़्यादा ही रहती थी, और वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस पूरे एनिमे को मेरे लिए खा गई। सो आप चाहे जो भी एनिमे देखो, जिस किसी भी एनिमे के आप फैन हो, हमेशा ट्राई करो कि उसके अराउंड बहुत ही ज़्यादा हाइप ना बनाओ, क्योंकि ओवर हाइप किसी भी एनिमे को किल कर सकती है। सो क्या यह एनिमे एक मास्टरपीस है? अगर तुम चाहो तो इस एनिमे को मास्टरपीस कह सकते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान कह रहा है कि उसको यह एनिमे पसंद नहीं आया, तो आपको उसके ऊपर हेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता ये एक मास्टरपीस है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉ हैं जिसको तुम आराम से बैठकर नोटिस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक एक कर बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस एनिमे के अंदर फ्लॉज हैं, तो आप कमेंट कर बता सकते हो और मैं आपको बता दूंगा जो चीज़ें मुझको लगा कि ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करी गई या फिर ये यहाँ पर प्लॉट होल है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एनिमे अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से लगाना उसको बिगाड़ सकती है, बट अगर आप इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस एनिमे को देख सकते हो। दिस इज़ एनिमे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकता है। और जितने भी इस एनिमे के फैंस हैं, या जिनको भी मेरी बातों से बुरा लगा हो, प्लीज़ अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करके समझने की कोशिश करो कि मैं कोई इस एनिमे का हेटर नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ है वो हर किसी भी बंदे के साथ हो सकता था। सो एक्चुअली मैं, यह गलती तुम्हारी ही है जिन्होंने इतनी ज़्यादा हाइप इस एनिमे के अराउंड क्रिएट करी कि ये एनिमे उतना डिलीवर ही नहीं कर पाया। सो दैट्स इट, दिस इज़ द वीडियो। मे बी आप समझ चुके हो क्यों इस एनिमे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर क्यों इस एनिमे को लोग देखना पसंद नहीं करते। वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको एग्री करो या ना करो ये आपके ऊपर है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रूली दिस रियलिटी इज अ हेल।